वैसे तो राजनीति में भाजपा हमेशा अनुशासन, सख्त फैसले और जुझारू कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाती है, लेकिन इन दिनों पार्टी में जो चल रहा है वो अनुशासन तो नहीं कह सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पार्टी में खुले मंच से अब एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया बयान पिछले 3 दिनों से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहा है। संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव ने ये बात कही तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक बैठक तेज हो गई है। हालांकि दिल्ली तलब होने के बाद भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह अपनी बात पर कायम है। गौरतलब है कि केशव ने दिल्ली में जाकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली तलब होने के बाद भी अपनी बात पर कायम है। उन्होंने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस की तरफ से किए गए ट्वीट में केशव के बयान का जिक्र किया गया है, हालांकि इस बार वीडियो के बिना ही पोस्ट किया गया है। खास बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक से ठीक पहले ही ये बयान दोबारा मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की ओर से बुलाई गई बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे। इसी बीच उन्होंने बयान देकर हलचल तेज कर दी है। जिस समय केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया उस समय मंच पर सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। उनके बयान के तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। कई कह रहे हैं कि केशव प्रसाद ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा, तो कोई कह रहा है कि सरकार की नाराजगी की वजह से उन्होंने कहा और सीधे योगी को चुनौती दी। इस बीच मंगलवार दोपहर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। शाम को केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच काफ़ी देर तक चर्चा होती रही। उनकी मुलाकात के बीच यूपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चा तेज हो गई है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम की रेस में थे, लेकिन अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया था। उन्हें डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा था। बताया जाता है कि वहीं से दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ जो अब तक जारी है। फिर 2022 में बीजेपी तो जीत गई, लेकिन केशव अपनी सीट हार बैठे। उन्हें हारने के बावजूद भी डिप्टी सीएम बनाया गया।